हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को स्वागत है आप सभी का एक स्मार्ट स्टडी पे। तो साथियों, आज है 30 सितंबर 2022 और 30 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखेंगे, वो भी फुल डिटेल्स के साथ। ठीक है, फुल डिटेल्स के साथ हम लोग 30 सितंबर यानी आज के सारे करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को सभी साथी अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं साथियों क्वेश्चंस डायरेक्टली। ये रही पहली क्वेश्चन, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किस राज्य ने प्राप्त किया है? साथियों देखिएगा, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 ये किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, यूपी करेक्ट हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश यहाँ राइट आंसर है। आप लोग सभी साथी याद रखना इस क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश से संबंधित, देखो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो सभी को पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। स्थापना कब हुआ था साथियों यूपी का? तो 24 जनवरी 1950 को। लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं जो सबसे अधिक है। ठीक है, और राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं साथियों। यहाँ विधानसभा के लिए 404 सीटें आरक्षित हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, बात करें अगर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में है, तो देखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य ये भी टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये भी टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा एक चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भी है साथियों। ठीक है, और साथियों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को जान लेते हैं प्रमुख, तो उसमें से है एक तो कजरी, दूसरी नौटंकी, एक है रासलीला, फिर है झूला, इसके अलावा है जैता। ये सभी जो है लोक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, देख लीजिए फिर से, कजरी, नौटंकी, रामलीला, झूला और जैता। ठीक है, अगर बात करें जीआई टैग्स की, उत्तर प्रदेश में किसको जीआई टैग मिला है? तो गोरखपुर के टेराकोटा को और चुनार बलुआ पत्थर जो मिर्जापुर में है। ठीक है साथियों, देखिएगा उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां पर पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ था। तो याद रखिएगा, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं अगली क्वेश्चन। तो साथियों देखिएगा, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गाँव में चयनित कुओं में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो देखिएगा, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गाँवों में चयनित कुओं में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो साथियों जलदूत ऐप, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, जलदूत ऐप याद रखना। आइए कुछ बातें जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय देश भर के गाँव में चयनित कुओं में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है। देखो ये ऐप जो है साथियों, इस ऐप को 27 सितंबर को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ठीक है, ग्राम रोजगार सहायक जलदूत ऐप के माध्यम से साल में दो बार मानसून से पहले और बाद में चयनित कुओं के जल स्तर को मापेंगे। ठीक है, मंत्रालय ने कहा है कि इस ऐप के आंकड़ों से बेहतर कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। भू जल स्तर के आंकड़े ग्राम पंचायत विकास योजना और महात्मा गांधी योजना में सहायक होंगे। इसके अलावा मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। देखिएगा, इसमें वाटर शेड विकास, वनीकरण, जल निकाय विकास और नवीकरणीय तथा वर्षा जल संचयन शामिल है। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य ने राख का उपयोग करके गेंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा यहां, देखिएगा सभी, असम। असम में ही एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है ना साथियों। अब देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में हम जान लेते हैं। तो असम सरकार द्वारा जलाए गए गेंडे के सिंहों से एकत्रित राख का उपयोग करके बनाई गई तीन गेंडों की मूर्तियों को, ठीक है, आप असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक साल पहले विश्व राइनो दिवस पर असम सरकार ने शिकारियों और अवैध व्यापारियों से संरक्षण अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए लगभग 2500 राइनो
हॉर्न जलाए थे, याद रखना ये भी, ठीक है। देखिएगा जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं? भाई जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ आपको याद रखना है जॉर्जिया मेलोनी निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं साथियों? तो इटली की, इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए चुनावी जीत के बाद जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं। इटली के राष्ट्रीय चुनावों में द्विपक्षीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार दक्षिणपंथी नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है, ठीक है। वहाँ ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने जीत हासिल की है साथियों, याद रखना। देखिए अंतिम परिणामों के अनुसार केंद्र और दक्षिणपंथी गठबंधन ने संसदीय वोट का कुल 44% हासिल किया। इसमें मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने कुल 26% वोट हासिल किए। देखिए मातेओ साल्विनी की पार्टी को लगभग 9% और पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की अधिक उदारवादी फोर्जा इटालिया पार्टी को लगभग 8% वोट मिले, ये भी याद रखना। देखिएगा आगे अगली क्वेश्चन, हाल ही में रूस ने किस देश के पूर्व सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को रूस की नागरिकता प्रदान की? अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश के पूर्व सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को रूस की नागरिकता प्रदान की है? तो साथियों देखिएगा सही उत्तर आपका हो जाएगा अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के पूर्व सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को रूसी नागरिकता प्रदान की है साथियों। एडवर्ड स्नोडेन उन 75 विदेशी नागरिकों में से एक हैं जिन्हें रूसी नागरिकता प्रदान की गई है। देखिएगा अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक पूर्व कर्मचारी स्नोडेन सरकारी निगरानी कार्यक्रमों का विवरण देने वाले और गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के बाद अमेरिका में अभियोजन से बचने के लिए 2013 में रूस में रह रहे थे साथियों, ठीक है, 2013 से ही रूस में रह रहे थे, ये याद रखना। आगे देखिएगा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, सही उत्तर देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो केरल में है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो साथियों कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इस पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। देखिएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने मिशन सेफ गार्डिंग कार्यक्रम को लागू करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया, जिसने महामारी के दौरान निबाध यातायात सुनिश्चित किया और यात्रियों को संतुष्टिपूर्वक सेवाएँ प्रदान की। आगे देखिएगा अगली क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से किसको नियुक्त किया गया है साथियों? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, ठीक है, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक यानी MD & CEO किसको नियुक्त किया गया है फिर से? तो दिलीप असवे को। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है, दिलीप असवे याद रखना, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो दिलीप असवे को 5 साल की अवधि के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। दिलीप असवे ने 2018 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले वह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी थे, याद रखना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक का एक विशेष प्रभाग है, जिसे 2008 में भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए बनाया गया था। तो साथियों अगली क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए किस अभियान की घोषणा की है? तो साथियों देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 Week 1 Lab, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो 26 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए 1 Week 1 Lab थीम आधारित अभियान की घोषणा की है साथियों, ठीक है। यह अभियान देश भर में फैले 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक
औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं और संस्थानों में से प्रत्येक में आयोजित किया जाएगा। देखिए, उन्होंने 26 सितंबर को नई दिल्ली में पहली CSIR नेतृत्व बैठक को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की थी। आगे देखिएगा, हाल ही में समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए गिनी की खाड़ी में चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में किस भारतीय नौसेना के जहाज INS ने पोर्ट जेंटिल गैबोन में एक पोर्ट कॉल किया है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा तो साथियों, सही उत्तर हो जाएगा INS तर्कस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट है, INS तर्कस। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में, तो INS तर्कस ने समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए गिनी की खाड़ी में उसकी चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में पोर्ट जेंटिल गैबोन में एक पोर्ट कॉल किया है। साथियों, यह गैबोन की किसी भी भारतीय नौसेना के जहाज की पहली यात्रा है। हाल ही में इसने 12 से 13 सितंबर 2022 को नाइजीरियाई नौसेना के साथ एक संयुक्त समुद्री अभ्यास में भी भाग लिया था। साथियों, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। यह भारत और नाइजीरिया की पहली संयुक्त तैनाती थी जो गिनी की खाड़ी में राष्ट्रीय डकैती विरोधी अभियानों के समर्थन में थी। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन। साथियों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वदेशी रूप से विकसित AVGAS-100LL पिस्टन इंजन वाले विमान और मानव रहित एरियल वाहनों के लिए एक विशेष विमानन ईंधन का शुभारंभ किया? साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हरदीप सिंह पुरी, याद रखिएगा आप लोग। आइए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 26 सितंबर 2022 को स्वदेशी रूप से विकसित AVGAS-100LL का शुभारंभ किया, जो पिस्टन इंजन वाले विमान और मानव रहित एरियल वाहनों के लिए एक विशेष विमानन ईंधन है। ठीक है, ईंधन का विकास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा बड़ौदरा में अपनी प्रमुख रिफाइनरी में किया गया है। वर्तमान में भारत इस प्रकार के विमानन ईंधन का आयात जो है यूरोपीय देशों से करता है। आगे देखिएगा, पर्यटन के महत्व, देखो अच्छा क्वेश्चन है, पर्यटन के महत्व और हमारे समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2022 में विश्व पर्यटन दिवस का विषय क्या है, थीम क्या है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। देखिए क्या आंसर होगा। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी रिथिंकिंग टूरिज्म, याद रखना ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पर्यटन के महत्व और हमारे समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 1980 में इस दिन की स्थापना की थी। देखिए, 1997 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस दिन को मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष एक मेजबान देश को नामित करने का निर्णय लिया था। 2022 में इसका मेजबान इंडोनेशिया देश है और इसकी थीम रिथिंकिंग टूरिज्म है। आगे देखिएगा साथियों, पहली बार टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर, ठीक है, लेवर कप 2022 जीता है। लेवर कप 2022 इंग्लैंड के किस शहर में आयोजित किया गया था? साथियों देखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा लंदन में। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर पहली बार लेवर कप जीता है। साथियों, टीम वर्ल्ड के फ्रांसिस टियाफोई और फिलिक्स ऑगर ने प्रतियोगिता जीतने के लिए टीम यूरोप के स्टेफानोस सित्सिपास और नोवाक जोकोविच को हराया, याद रखना। लेवर कप टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय इंडोर हार्ड कोर्ट प्रतियोगिता है। ठीक है, यूरोप के अलावा सभी महाद्वीपों के खिलाड़ी टीम वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2022 का लेवर कप का 5वां संस्करण था। पहला संस्करण 2017 में शुरू हुई थी, याद रखना। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है वो आपका 26 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा तो साथियों, पर्यावरण स्वास्थ्य पेशवरों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की स्थापना 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा की गई थी। साथियों ठीक है, देखिए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? तो देखिएगा, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में निर्मित चौक का नाम किसके नाम पर रखा है? तो साथियों याद रखिएगा, लता मंगेशकर चौक, ऑप्शन नंबर ए, लता मंगेशकर के नाम पर। देखिएगा, लता मंगेशकर चौक स्वर
स्वर गया साथियों, स्वर सामग्री लता मंगेशकर के जन्मदिन पर उनकी स्मृति में अयोध्या में निर्मित चौक का बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकार्पण किया। देखिएगा उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर अब किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों याद रखिएगा श्री महाकाल लोक के नाम से, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं किस कंपनी ने हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिकल हैचबैक टियागो ईवी को पेश किया है साथियों, टियागो ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, तो टाटा मोटर्स ने साथियों, क्योंकि टाटा का ही टियागो आता है तो टाटा मोटर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये आज के करंट अफेयर्स थे, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन। आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक सभी साथी कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ये वीडियो डेली सवेरे 5:30 बजे आप लोगों को मिल जाती है, तो सभी लोग देख लिया करिए, सवेरे नींद से जागने से जैसे ही नींद से उठ जाओ ये वीडियो आप लोग देख लिया करिए चैनल में आके, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें साथियों, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।